हम आपको मिलवाते हैं मुंबई के जाने माने कलाकार कुंदन सिंह से, जिन्होंने कई सारी मूवी की है, कई सारे टीवी सीरियल्स भी किए हैं। आज वो यूपी के ताज नगरी जिसको बोलते हैं आगरा शहर में उन्होंने रुक किया है, एक सुसदन में ऑडिटोरियम में एक कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर वो अपना अपने करने जा रहे हैं, शो करने जा रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात में कुछ खास अंश। कुंदन जी आपका स्वागत है ताज नगरी में, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे आकर? सर यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई है। मतलब अब तक मैं सोचा था कि भाई ताजमहल रानी है, यहाँ पे शो का एक अलग अनुभव होता है हमारे, लेकिन जैसे ही हम लोगों का जैसे इन्फॉर्मेशन मिला कि आगरा में हम लोगों को शो करना है, क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट था वो शो क्यों हो, चलो ऐसे शहर में जाकर अपना शो करेंगे जहाँ देखने के लिए जाने के लोग चाहते भी जल्दी नहीं आ पाते, सौभाग्य होता है यहाँ पर। अच्छा आपने यहाँ पर ताजमहल देखा? नहीं अब तक रिटर्न ही कहीं शाम में हम लोग आए हैं, अभी हमारा शो चल रहे थे, उसके बाद शो के थ्रू प्लान करते हैं। अच्छा आपका ये शो किस उस पर आधारित है? जी हमारा ये शो कन्या भ्रूण हत्या पर, जी हमारा ये शो कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है, जो आज की तारीख में हर घर में माँ है, बहन है, बीवी है, लेकिन जब बात आती है बेटी की तो लोगों के एक जो रिएक्शन होता है, लोगों का जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है, मेरे सर पे कहाँ का बोझ मेरे सर पे आ गया, ऐसा लोगों का फील होता है। तो इस नाटक के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बेटी आज की तारीख में हमारे सर पे बोझ नहीं है, हमारे घर में माँ है, बहन है, बीवी है, सब है, तो बेटी आज क्या क्या गलत हो जाए, तो हमारा नाटक का हमने मुख्य मकसद जो है। अच्छा आपके साथ में इस नाटक में कौन कौन अभिनय कर रहा है? हमारे साथ नाटक में सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर रणवीर सिंह जी को, उन्होंने हमें बता दिया था इसके अलावा हमारे साथ में जगदीश निषाद जी जो डॉक्टर के किरदार में हैं, दिलीप पांडे जी हैं, फिर अपना संगीता जी हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारे साथ मूवी से आए। सुनिए जी आपका इस नाटक में पूरे नाटक में क्या अभिनय है? जी मेरा इस नाटक में जो बीजेपी विचार का बंदा होता है, जो बेटी जाति को अच्छा नहीं लगता है, घर में बेटा जन्म होता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि हमारे घर में बेटा जन्म गया, और एक मन में कहीं ना विचार आता है कि मेरा मित्र जो है जो उसके घर पे जाता है उसको बताता है कि बेटा नया हुआ है तुम्हारे यहाँ, कैसे बेटी आ रही है, कैसे मतलब ये तुम्हारा दिमाग गया है, बैड लक है, तो उस बंदे को ये एहसास होता है कि नहीं मेरे घर में पोता होना चाहिए, बेटी क्यों आ रही है, तो अगर उस इंसान के मन में नकारात्मक विचार है तो उसका वजह। सर मैं थोड़ा सा पर्सनल होना चाहूँगा आपके लाइफ में, आप पटना के